नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आयरन हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ग्रामीण भारत बंद का पूरे देश में दिखा असर। शहरों को नहीं हुई दूध, सब्जी और राशन की सप्लाई। किसानों ने कहा दूर करो समस्याएं, वरना होगा आंदोलन। ग्रामीण भारत बंद को मिला मजदूर और कर्मचारी संगठनों का साथ। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ बैंक कर्मचारी भी रहे शामिल। रेल, बस और बैंकिंग सेवाओं पर दिखा असर। फसल की डेढ़ गुना कीमत से लेकर किसानों को पेंशन देने तक की मांगे। श्रमिक संगठनों ने भी कहा पुरानी पेंशन हो बहाल, श्रम कानूनों को ना किया जाए कमजोर। और जयपुर में जारी है किसानों का जमीन सत्याग्रह। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत मुआवजा देने की मांग। 2017 में भी कर चुके हैं गले तक जमीन में खड़े होकर आंदोलन। किसान बुलेटिन में सबसे पहले बात ग्रामीण भारत बंद की, गांव बंद की। किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर बुधवार को भारत बंद का पूरे देश में असर देखा गया। इस दिन गांव से शहर को दूध, सब्जी और अनाज की सप्लाई नहीं हुई और ना ही शहर से किसी को अपना सामान बेचने के लिए गांव आने दिया गया। इस बंद की अपील 250 किसान संगठनों की भागीदारी वाले अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने की थी। गांव बंद योजना के ही तहत देश भर के 6,00,000 गांव से किसानों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और उन्हें अपने अपने इलाके की समस्याएं बताई। चिट्ठी लिखने का मकसद ये कि देश भर के किसानों की जो मोटी मोटी समस्याएं हैं एक सी हैं और जब देश भर से कलेक्टिव तौर पर चिट्ठियां जाएंगी, किसान अपने दर्द को शब्द देंगे, चिट्ठी लिखेंगे, तो शायद उसका इम्पैक्ट, उसका असर गहरा होगा। किसान अपने गुस्से का, अपनी पीड़ा का एहसास करा पाएंगे। अगर ग्रामीण भारत बंद के मकसद की बात करें तो इसमें किसानों को कर से मुक्ति दिलाना, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर फसलों की लागत का डेढ़ गुना कीमत देना, मनरेगा को खेती से जोड़ने और काम के दिनों की संख्या 200 दिन करने, 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने, मिड डे मील में दूध को शामिल करने, मुक्त व्यापार समझौते के तहत दूध का सस्ता आयात रोकने, गन्ने की लागत का डेढ़ गुना कीमत देने, फसल बीमा योजना को सही से प्रभावी तरीके से लागू करने, वन अधिकार कानून को ठीक तरह से लागू करने जैसी तमाम मांगे शामिल हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस ग्रामीण भारत बंद का 10 ट्रेड यूनियनों और बैंक कर्मचारी संगठनों ने भी समर्थन किया है। इनकी अगर मांगों की बात करें तो श्रमिक कानूनों में अनुचित बदलावों को रोकने, नई पेंशन स्कीम को बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने, सरकारी सेवाओं में आउटसोर्सिंग बंद करने, बैंकों के विलय और अन्य क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक शामिल है। आप देख सकते हैं देश भर से, ये तमाम जगहों से आप ये विजुअल्स देख सकते हैं भारत बंद के। पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, रायपुर, कलबुर्गी, ये तमाम जगह इस बात की बानगी हैं। ये दर्शाता है कि लोग, वो तमाम तबका, सब के सब परेशान हैं और वो क्या परेशानियां हैं, वो क्या किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियां हैं सरकार की, जिसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा टीस है, चोट है, रोष है। ये 6 तस्वीरें आप और देख सकते हैं। डिफरेंट ज्योग्राफी से हम आपके लिए ये तस्वीरें लेकर आए हैं। पटियाला, बरनाला, ये पंजाब की तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, ये सभी तस्वीरें। यहाँ पर सबका एक ही मैसेज है, एक ही संदेश है कि हम परेशान हैं और ऐसी नीतियां गठित हों जिनसे हमें राहत मिले।
और इन सब पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं किसान नेता वीएम सिंह जी, जो कि एआईकेएससीसी के संयोजक हैं और उन्हीं के बैनर तले, उन्हीं के कॉल पर ये ग्रामीण भारत बंद हुआ है। हमारे साथ हैं रामस्वरूप राजस्थान से, हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से नवेंदु सिन्हा जुड़ गए हैं। सबसे अलग अलग ज्योग्राफीज में जाकर हम बातचीत करेंगे कि एक्चुअली जो ये भारत बंद की जो ये कॉल है, ये कितनी कामयाब रही। सबसे पहले वीएम सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपका ये कहना था कि इस बार किसान जो है आर पार की लड़ाई के मूड में है, ये जो कॉल है ये एक 2020 में हम 2020 मैच खेलेंगे, उससे आपका क्या मतलब? देखिए, शुरू में जो है अभी तक जैसे आपको मालूम है, एक सरकार आती है, दूसरी सरकार जाती है, मुद्दे वही के वही रहते हैं और किसान कभी यहाँ भटकता है, कभी वहाँ भटकता है, आत्महत्या करता है, बच्चे खेती नहीं करते, वो नशे में जा रहे हैं, क्राइम में जा रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है। अब इस बार 2020 का ये है कि कहीं नतीजा निकले जी। पहले 5-5 दिन के मैच होते थे, ये तो वही बात है ना, 5 साल पहले होता था, एक सरकार 5 साल, दूसरी सरकार 5 साल, कोई नतीजा नहीं जी। 5 दिन का मैच होता था, कोई नतीजा नहीं, 5 दिन का मैच, कोई नतीजा नहीं। जो वो 5 दिन के मैच से इन छोटे समय में 2020 का कर लिया, कुछ घंटों में असर निकल जाता है, नतीजा निकल जाता है, वही हम चाहते हैं। हम 5 साल वेट नहीं करना चाहते, कौन आए कौन जाए। हम सीधी बात कर रहे हैं कि हम देश को बताना चाहते हैं हमारी पीड़ा क्या है। पहले तो मैं सबको, लाखों गाँव के अंदर जो किसानों ने आज इतनी वर्षा के कारण, बारिश के कारण जो धीमी एक गति आ गई थी, उसके बावजूद बाहर निकल के, बुजुर्गों ने बाहर निकल के और समर्थन किया, बंद को जो है कामयाब बनाया, देश के हर किसान का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि हमने एक मैसेज दिया देश को कि किसान पूरा संगठित है। आज से पहले इसकी जरूरत क्या थी, हम जब बात करते थे चैनल्स के ऊपर तो बीजेपी के हमारे जो पैनल लॉयर्स जो पैनल में होते थे जी, वो कहते थे अरे हमें तो वोट मिला है, किसान खुश है हमसे जी, हर हमारी सरकार बना दी है, 2014 तो क्यों बोले जा रहे हो, 2019 में तो हमें फिर से चुनकर भेजा है, फिर से चुनकर भेजा, मतलब किसान खुश है। तो वही हमने किसानों को कहा, आपके मार्फिक, बाकी लोगों के मार्फिक हमने चिट्ठियां भेजी, उनसे कहा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 29 और 30 नवंबर को एक कॉल दिया कि अगर तुम खुश हो बड़ा अच्छा है, खुश नहीं हो तो बाहर निकलो, बताओ कि अगर वोट दिया है या नहीं दिया है। राष्ट्रवाद अलग मुद्दा है और हमारा चूल्हा अलग मुद्दा है। हमारा मकसद यहाँ पर ये नहीं है कि हम जो है कोई गुमराह करें, बेवकूफ बनाएं, किसी को तंग करें जी। हमारा मकसद है कि हर किसान का चूल्हा जलना चाहिए, किसान के बेटे की जीविका होनी चाहिए, एक माहौल ऐसा बने जिसके अंदर से हम लोग भी इस देश के अंदर कृषि प्रधान देश और पूरा देश को खिलाता है, किसान भी अपनी जिंदगी जी सके। यही बात है कि जो किसान पूरे देश का पेट पालता है उसी की थाली जो है खाली वो खाली है। ये बताइए, जो आपने बताया कि 6 लाख गांव से चिट्ठियां भेजी गई, अब उन पर किस तरह से ट्रैकिंग होगी, अब उस संदेश का क्या होगा, वो कैसे पढ़े जाएंगे, जरा इस पर बताएं। देखिए, उसमें हमने सबसे कहा है कि हमें जो रिसीव कराया है आपने जी, SDM को, DM को, तहसीलदार को, BDO को कॉपीज भेजिए जी, और 250 संगठन हैं। अब आप देखिए, अगर एक संगठन 3-3 जिले कवर करता है तो पूरा देश कवर हो गया जी। 600 गांव हैं हमारे, 600 जिले हैं हमारे यहाँ, जो 125,000 जो गांव हैं 600 जिले में हैं। तो इसलिए हर संगठन ये एक्सरसाइज करेगा और अगर ये संगठन नहीं करते तो आज कामयाबी नहीं मिलती। आज हमने दिखा दिया है कि हम में ताकत है जी। हम में ताकत है आपका सब कुछ रोकने का। ये सिंबॉलिक था, एक दिन में फर्क नहीं पड़ता, हमें मालूम है दूध का सब्जी का। केवल हमें दिखाना था देश को कि हमारी पीड़ा समझो, अगर पीड़ा ज्यादा बढ़ गई ऐसा ना हो कि अब हम 15 दिन 20 दिन के लिए बंद कर दें फिर तुम्हारा क्या होगा। यानी पीड़ा समझो और हमारा दर्द समझो और हमारी ताकत भी पहचानो, इसको समझने के लिए ताकत पहचानो। और हम इसमें धमका नहीं रहे किसी को जी, हम तो फरियाद कर रहे हैं कि हमारे पास ताकत है, उसके बावजूद भी हमारे हम झोली फैला रहे हैं, हमको दीजिए हमारा हक, हमको दीजिए। बिल्कुल, हम इस पर जाना चाहेंगे। हमारे साथ तमाम जगह से हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे समझते हैं ग्राउंड रिपोर्ट क्या रही। सबसे पहले नवेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगी। पटना में यहाँ पर जो गांव बंद रहा, वहां पर किस तरह की रिपोर्ट्स?
देखिए अनिका, ये बिहार में ग्रामीण भारत बंद का जो एक कॉल था उसने भी असर दिखाया इस बंद में। तो जो ये भारत की हड़ताल थी, इस हड़ताल में गाँवों ने एक अहम भूमिका निभाई, और जो रिपोर्ट मिल रही है उस लिहाज से जो ज़िले हैं जैसे जहानाबाद, नालंदा, भोजपुर, शाहबाद, रोहतास, इन तमाम ज़िलों में जो है वो ग्रामीण भारत का एक जो दबाव था किसानों का, उसने भी इस बंद को सफल करने में एक भूमिका निभाई। तो पटना में भी जो बंद का असर देखने को मिला, कहीं ना कहीं उसमें ग्रामीण किसानों की एक अहम भूमिका थी। और देखिए, एक चिट्ठी जो अतुल अंजान ने जो लिखी थी तमाम नेताओं को, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक शामिल थे, और उन्होंने ये अपील की थी कि जो ग्रामीण भारत के जो किसान हैं और जो उत्पादक हैं, कृषि उत्पादक, फल सब्जियों दूध के खासतौर पे उत्पादक, उन उत्पादकों से आह्वान किया था कि वे इस विरोध में, जो सरकार की नीतियां हैं उसके विरोध में, भारत बंद में इस तौर पर शामिल हों कि वो अपने उत्पाद जो है शहरों में न भेजें। तो उसका असर आज दिखाई दिया, और पटना शहर में आज सुबह से कहें तो सिर्फ जो सुधा डेयरी है तो डेयरी के दूध तो मिले, लेकिन जो दूधिया लेकर आते हैं गाँव से दूध, और शहर में एक अच्छी खपत होती है, वो दूध नहीं देखने को मिला। बाजार समिति में फल और सब्जियां कम उतरी उस लिहाज से जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं। तो उस लिहाज से एक दबाव जो है वो ग्रामीण भारत का दबाव देखा। बहुत बहुत शुक्रिया नवेंदु जी, हम चलते हैं, जाना चाहेंगे अब राजस्थान जयपुर में। हमारे संवाददाता रामस्वरूप, आप बताएं वहां पर इस बंद का क्या असर दिखा, क्या गांव वालों में वो रोष दिखा, गुस्सा सामने आया, या फिर उनका दर्द छलका, क्या कुछ रहा वहां पर? देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के तमाम जिलों में जो है किसानों की एकजुटता देखने को मिली है, और जगह जगह पर किसानों ने बड़े प्रदर्शन भी किए थे। जिस तरह से जयपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसके साथ ही सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ऐसे आसपास तमाम जो जिलों में है किसानों ने एकजुटता दिखाई है। और हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि जयपुर शहर के आसपास जो गाँव है उन्होंने बिल्कुल सप्लाई ठप किए, कुछ किसानों ने जरूर यहाँ पर सामान अपना भिजवाया है, लेकिन अधिकतर किसान संगठन ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी सब्जियां, अपना जो गोधन का या भैंसों का जो पशुपालन का, पशुओं का जो दूध होता है वो शहरों में सप्लाई नहीं किया है। उन सब ने पूरी एकजुटता दिखाई है और एक तरह से कह सकते हैं कि ताकत दिखाई है। हालांकि राजस्थान में कहीं से भी ऐसा कोई समाचार नहीं आया कि कहीं पर तोड़फोड़ हुई हो या फिर कोई जाम की स्थिति पैदा हुई हो या फिर रेल रोकी गई हो, ऐसा नहीं था। लेकिन ताकत किसानों की पूरी तरह से देखी गई है। हमारे साथ में किसान नेता भी है भावर सिंह शेखावत जी, उनसे पूछेंगे। संक्षिप्त में, आपने क्या देखा आज पूरे तमाम राजस्थान की बात करें तो? आज राजस्थान के अंदर जो 250 किसानों के संगठन का आह्वान था, उसके तहत पूरे राज्य के अंदर किसानों ने मंडियों को बंद रखा है, दूध की, अनाज की जो सप्लाई थी वो सारी बंद रखी है, और पूरे देश के किसानों के साथ एकजुटता की है, और केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा एकता का तमाचा इन्होंने दिया है। क्योंकि आज किसान को जो वादा किया था कि 1.5 गुना फसल का दाम देंगे, उस पर अभी तक कुछ कार्य सरकार के द्वारा किया नहीं गया है, क्योंकि ये सरकार केवल भाषणवीर है, केवल मोदी जी भाषण देते आ रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं जमीन पर। किसानों की हालत है राजस्थान में, 15% भी सामान उनका MSP पर नहीं खरीदा जा रहा आज की तारीख के अंदर। मंडियों में उनके सामान का भाव मिल नहीं रहा है। किसानों को 2 रुपए किलो प्याज का मिला था, जो प्याज देश को 200 रुपए खाना पड़ा है। तो यह स्थिति जो किसान की चल रही है, आज किसान देश में हर साल 3% खेती को छोड़ रहा है। आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा है, यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। आज IAS का बेटा IAS बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, राजनेता का बेटा राजनेता। जी रामस्वरूप जी, शुक्रिया ये इस अपडेट के लिए। अब हम, मैं जाना चाहूंगी मध्य प्रदेश, हमारे कौशल संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी वहाँ मौजूद है। कौशल, किसानों के जो मोटे मोटे मुद्दे हैं देश भर में वही हैं, MSP नहीं मिल रही, कर्ज माफी को लेकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है, और वो क्या तमाम मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में जिसे लेकर किसान जो है इस भारत बंद को उन्होंने समर्थन दिया है? देखिए, मध्य प्रदेश की जो हम बात करें तो हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अतिवृष्टि और जो भी प्राकृतिक आपदा के कारण मध्य प्रदेश के किसानों को समस्या हुई थी, जो भी नुकसान हुआ था, उसके बाद केंद्र सरकार के जो दो दल आए उन्होंने 6,700 करोड़ रुपए देने की बात कही, सिफारिश की, लेकिन केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार, कमलनाथ सरकार, कांग्रेस सरकार
किसानों की हमदर्द बनकर सामने आई है और वो किसानों की समस्याओं का समाधान कर रही है, कर्ज माफी कर रही है और प्राकृतिक आपदा का भी नुकसान की भरपाई कर रही है। यहाँ पर कौशल ये बात करना चाहूंगी कि जब फसल बीमा की बात होती है तो उसको लेकर किसान बहुत ज्यादा परेशान है, बार बार इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी चांदी हो रही है, जो सरकारी कंपनियां हैं वो बल्कि कई जगहों से उन्हें नुकसान उन्होंने झेला है मगर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका मुनाफा बढ़ रहा है, इस तरह का ट्रेंड सामने आ रहा है और इकाई को लेकर क्या होनी चाहिए वो एक बड़ा मुद्दा। निश्चित तौर से ये जो फसल बीमा है इसमें कहीं ना कहीं किसान ठगा ही गया है, उसको जब नुकसान होता है तो फसल बीमा से कोई राशि मिल नहीं पाती है, दस्तावेजों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं या उनके साथ जब उनको नुकसान होता है और उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो ये पता चलता है कि उनका बीमा ही नहीं हुआ है। और ये जो सरकारें हैं, जो मध्य प्रदेश की पिछले 15 साल में सरकार थी वो उसने पिछले दो साल से तो फसल बीमा की जो किस्त थी वो भी जमा नहीं की थी। मध्य प्रदेश की जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तब ये हकीकत भी सामने आई और ये जो खुलासा हुआ उसके बाद केंद्र की जो सरकार है उसने फिर मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव किया और फसल बीमा के लिए पुरानी राशि भरने का आदेश दे दिया। फसल बीमा से अगर सीधी तौर से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो इंश्योरेंस करने वाली निजी कंपनियां हैं उनको सरकार ने मिलकर फायदा पहुंचाया है और वो हजारों करोड़ रुपए की कारोबारी बन गई हैं कंपनियां, उनका लाभ अर्जित कर लिया है। लेकिन किसान की बात करें तो किसान उसी अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। और जी कौशल बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए किसान बुलेटिन। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का एमपी में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन और आज खास फोकस है गांव बंद पर। बारिश और बर्फबारी के बावजूद मजदूर संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे, उनके जज्बे का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, इस तरह के विजुअल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बर्फबारी के बीच लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो हौसला है वो बिगड़े मौसम के बावजूद भी बुलंद है। ऐसे ही आप देश भर के किसानों के हौसलों की भी बात कर सकते हैं, सभी किसान सभी मजदूर सब जो हैं बिगड़े हालात बिगड़े मौसम के बावजूद डटे हुए हैं क्योंकि उन सब का एक ही मकसद है, अपनी टीस, अपनी जो खटास, अपनी जो चोट है, गुस्सा है, उसको बयां करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। और हमारे साथ वीएम सिंह जी हैं स्टूडियो में। वीएम सिंह जी, हम फसल बीमा की बात कर रहे थे लास्ट, अब जो फसल बीमा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इकाई को लेकर लोग परेशान हैं? देखिए, इकाई जो है बहुत जरूरी है। अगर मैं KCC का लोन लेता हूँ और प्रीमियम देता हूँ तो मैं प्रीमियम खुद देता हूँ, पूरा गाँव मेरा प्रीमियम नहीं देता है जी। और अगर पूरे गाँव की फसल नष्ट होगी तभी मुझे उसका मुआवजा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, अकेले को नहीं मिलेगा। ये क्या तुक है, बहुत बेतुकी शर्तें हमने देखी, जैसे हाइड्रोपोनिक क्रॉप्स को लीजिए, गन्ने को लेकर, कि जो पानी में उगती हैं अगर वहाँ पे जल भराव हो जाए तो उसमें आपको बीमा नहीं मिलेगा, जैसे हमने हरियाणा में देखा। आजकल तो मौसम ऐसा हो गया है जी कि एक की मेड़ के ऊपर पानी गिर रहा है, दूसरे पे नहीं गिर रहा है। यहाँ ओलावृष्टि हो रही है वहाँ नहीं हो रही है, यहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ नहीं आ रही है। तो बातें तो हो रही है कि फसल बीमा को हम प्रभावी बनाना चाहते हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, सैटेलाइट के जरिए हम इन चीजों का पता लगाएंगे, प्रभावी कैसे बनेंगी, खाली बोलने से या जमीन पर उतारने से? सैटेलाइट के थ्रू जो करना चाहते हैं, पूरे गाँव का देखना चाहते हैं या इंडिविजुअल देखना चाहते हैं, पहले तो एक आई इंडिविजुअल करो ना। बिल्कुल, बाकी जो आप टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं लेके आओ, कोई मना नहीं कर रहा है, पर पहले तो एक आई इंडिविजुअल कर लो ना कि अगर मेरी फसल खराब होगी मुझे बीमा मिलेगा क्योंकि मैंने प्रीमियम दिया है। KCC के ऊपर से प्रीमियम काटते हैं KCC को कवर करने के लिए,
और केसीसी में आदमी लेता है क्रॉप लगाने के लिए जी। जब क्रॉप मेरी फेल होती है तो केसीसी का पैसा दे पाऊंगा तो उसको कवर करना है ना, पूरे गांव से क्या मतलब उसका। बिल्कुल। तो ये जो पागलपन हो रहा है इसमें मैं आपसे केवल कहना चाहूंगा, आज के अंदर जो एक अच्छी सीख मिली है कि हर गांव के अंदर लोग खड़े हो गए हैं। पहले लोग कहते थे सबका होगा तो मेरा होगा, दिल्ली में भी हम मीटिंग करते थे या स्टेट कैपिटल में मीटिंग करते थे, एक गांव से 500 लोग आ जाते थे और 15 गांव से एक भी नहीं आता था। अब जब हर गांव अपनी पीड़ा खुद बता रहा है पूरे गांव में 15 दिन से, तो सबको मालूम है अब जो राजनीतिक नेता जाएगा उसको वो एड्रेस करना पड़ेगा। ये मुद्दा ये नहीं है कि सबका होगा मेरा हो जाएगा, ये मुख्य मुद्दा आ गया है। हमने तो अपने आप को तकलीफ दी है ना आज उत्तर प्रदेश में। या फिर कभी किसी एक को लगता होगा कि शायद मेरे साथ ही नहीं हो रहा, औरों का भला हो रहा है, मगर जब ये यूनिवर्सल फीलिंग सामने आएगी चिट्ठियों के जरिए तो शायद एक एहसास जो है। हमने अपने आप को भी आज पीड़ा में रखा है जी। जितने हमारे क्रशिंग सेंटर्स हैं, आपको मालूम है गन्ने का किसान पर्ची के लिए रोता है और तोलने के लिए भागता है, आज सारे बन रहे। हमने अपने आप को भी पनिश किया, ये नहीं कि हम आप किसी को पनिश कर रहे हैं कि दूध नहीं जा रहा है कुछ नहीं जा, हम केवल एक मैसेज भेजना चाहते हैं देश को जी। कि हम कर सकते हैं जो चाहे हम, पर हम नहीं कर रहे। हमारी तरफ देखो, हमारी पीड़ा की तरफ देखो, इसको सॉल्व करो, सॉल्यूशन निकालो जी। हम 5 साल वेट नहीं करेंगे, तुम सरकार में हो तुम्हें आज ही करना पड़ेगा। आइए सुनते हैं नेताओं का भारत बंद पर क्या कहना है। मजदूर कानून को खत्म करना है और बंद करना है, मजदूर का न्यूनतम मजदूरी ठीक से देना है, पेंशन देना है और इसके साथ किसान का फसल का सही दाम देना है, उसका कर्जा माफी करना है। ये ऐतिहासिक हड़ताल, करोड़ों मजदूर किसान जो इसमें शामिल हुए हैं, स्टूडेंट्स कैंपसेस में शामिल हुए हैं, ये मोदी सरकार की घमंडी दिवालिया आर्थिक नीतियों, संविधान विरोधी नीतियों और जनवाद विरोधी नीतियों के खिलाफ है। हर वर्ग आज दुखी है, जो सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं वो मध्यम वर्ग हो, गरीब तबका हो, छात्र लोग, तो आज जो बंद का कॉल किया है इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बंद तब होता है, स्ट्राइक तब होती है जब सारे ऑप्शन फेल हो जाते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं संवाद की बहुत कमी है केंद्र सरकार के तरफ से। यहाँ वीएम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीएम सिंह जी ये बताइए कि देश भर के जो मजदूर हैं असंगठित क्षेत्र में, यहाँ पे 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने भी आपको इसका समर्थन दिया है, अगर मजदूरी की बात करें तो खेती में भी जो खेतीहर मजदूर हैं उनके अधिकारों का क्या, जब ये किसान सम्मान निधि दी गई उसमें भी ये उनको दे दिया जिनको जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास जमीन का मालिकाना हक है, ऐसे में उन लोगों का क्या जो खेत में मजदूरी करते हैं, मनरेगा में जो मजदूरी करते हैं, आगे आपकी क्या रणनीति है? देखिए जहां तक सवाल उठता है सम्मान योजना का, ये तो अपमान योजना है जी। 29-30 नवंबर 2018 को जब लाखों किसान दिल्ली पहुंचे थे, तब गांव में नहीं दिल्ली आए थे, उसके एक हफ्ते बाद ही मोदी जी ने कहा कि हम आपको 6,000 रुपये देंगे एक साल का, 4 महीने में 2,000 रुपये देंगे जी। बहुत जगह तो इलेक्शन में दिया गया और उसके बाद वापस भी ले लिया गया, बहुत जगह मिला भी नहीं आज। और तीसरी किश्त आते आते काफी कम हो गए, 2 करोड़ मिला भी नहीं लोग जो है अभी तक। अब उसमें जो है हाँ, अब उसमें जो है आगे ये अपमान है या सम्मान है, हमें केवल अपना हक चाहिए आज। इसमें मेन चीज हमारी आज ये है कि जो 4 नवंबर को मोदी जी चले गए थे बैंकॉक आरसेप के अंदर साइन करने के लिए दूध के लिए, वो अभी टला है, खत्म नहीं हुआ है। आज की हड़ताल के बाद, आज के पूरे जो गांव हैं बंद के बाद, अब सरकार को मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसा करेंगे, दूध बहुत बड़ा मुद्दा था आज कि अगर आप जापान के अंदर जो आगे होने वाला है उसमें समझौता करेंगे तो किसान। आप ये कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ टला है, अभी खतरा बना हुआ? क्योंकि है। अभी जापान में जो होने वाला है अगले साल होगा शायद, उसमें जो है उनका कहना है कि हम सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को मना रहे हैं वापस आने के लिए। उन्होंने आउटराइट मना नहीं किया कि हम जो हैं रीजनल पार्टनरशिप में नहीं जाएंगे, जो रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसमें हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, या हम खेती को और दूध को बाहर रखेंगे, नहीं कहा गया, कैटेगोरिक नहीं कहा गया। अभी तो कहीं अमेरिका से दबाव है, कहीं कहां से दबाव है, अभी चल रहा है, अभी हमारा कहना है कि दूध हमारी जीविका है,
गांव का किसान आज दूध के ऊपर निर्भर है, 30 से 40 अगर उनको सब्सिडी मिलती है, उनका दूध आधे रेट पे आता है जी, वो यहाँ आ जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना। और अभी भी जो दूधिया किसान है उसको कुछ 10 रुपए कम जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज दूध बंद करने का मकसद ये था पूरे देश के अंदर बताना के अंदर कि हम पूरे के पूरे संगठित हैं। ये ट्रेलर है, अगर आपने अगर ज्यादा कुछ किया तो फिर किसान जो है 15-20 दिन अगर पूरी हड़ताल कर लेगा तो फिर देश का क्या होगा, देश भी प्रेशर डाले गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट भी खुद देखे और कहे कि हमने जो वायदा किया है वही तो ये मांग रहे हैं। इसमें जिस तरह से हमने आरसी के दौरान देखा कि पूरा देश एकजुट होकर सामने आया, क्या इस तरह की एकता हम देखेंगे, हमें आज देखने को मिली, हमने आज देखा ना ग्रामीण भारत, हम चाहते तो ट्रेड यूनियंस के साथ सबके साथ मिलकर दिल्ली आ जाते, चल जाते, हमने क्या किया शांतिपूर्ण पूरा गांव के अंदर, उसका फायदा क्या हुआ हमें, जैसे मैंने कहा 10-10, 15-15 गांव छूट जाते थे, अब हर गांव के अंदर 15-15, 20-20 लोग सामने आके बारिश के अंदर भी नारेबाजी कर रहे हैं और सबको 15-20 दिन से बता रहे हैं, अपनी पीड़ा सबके सामने बांट रहे हैं और दूसरों की पीड़ा बाहर आ रही। जैसे आपने खुद कहा कि पहले लोगों को लगता था शायद मुझे नहीं मिला, किसी और को मिल गया होगा, अब पूरा देश ये जानता बहुत बड़ा संदेश। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, डिफरेंट लोकेशंस पर जो हमारे संवाददाता हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ते एक और खबर है, राजस्थान के जयपुर में किसानों का जमीन सत्याग्रह दूसरे दिन भी जारी है। नींदर गाँव के किसान गड्ढे खोद कर उसमें खड़े होकर अपना विरोध जता रहे हैं। इन किसानों ने ऐसे ही गड्ढों में खड़े होकर रात गुजारी। जयपुर विकास प्राधिकरण अपनी आवास योजना के लिए यहाँ 1350 बीघा लेना चाहता है, लेकिन किसान 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन लेने की मांग कर रहे हैं। यहाँ के किसान 2017 में भी जमीन सत्याग्रह कर चुके हैं। वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से हमारी वेबसाइट www.newsplatforminपर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।